अस्सलामुअलैकुम। बकरीद सीरीज़ में आज आप लोगों के लिए मटन की एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और फेमस रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है मटन नहारी, या आप मटन निहारी भी कह सकते हैं। इसी वीडियो में हम होममेड नहारी मसाला पाउडर भी बनाएंगे। इस तरह से होममेड बना के डालने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होममेड इज़ ऑलवेज बेस्ट। ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल कुक विद फैम सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। इसे बनाना शुरू करते हैं। मटन निहारी बनाने से पहले हम निहारी मसाला पाउडर बना के रेडी रख लेते हैं। इस तरह से होममेड निहारी मसाला पाउडर बना के निहारी में डालने से निहारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देख लेते हैं इन्ग्रीडियंट्स। 4 टीस्पून साबुत धनिया डाल दें, सौंफ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च, जीरा 1 टीस्पून, 5 छोटे सौंठ के पीसेस, सौंठ यानी ड्राई जिंजर, 2 चक्रफूल, दालचीनी के छोटे 4 पीसेस, 3 बड़ी इलायची, 4 छोटी हरी इलायची, 2 तेजपत्ता, 2 छोटे जायफल के पीसेस, थोड़ी सी जावित्री, और यह है पिपली 3 पीसेस। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। फ्लेम ऑन कर लें। फ्लेम को लो पे रख के 2 मिनट के लिए इन्हें भून लें। दो मिनट हो चुके हैं, फ्लेम बंद कर दें, इसे ठंडा होने दें और बारीक पाउडर की तरह पीस लें। निहारी मसाला पाउडर रेडी हो जाएगा। निहारी मसाला पाउडर हमारा तैयार है। नेक्स्ट एक बड़ा सा पैन ले लें और इसमें डालिए 1/2 कप तेल और 1 टेबलस्पून भर के घी। गरम कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा गरम ना करें तेल। तेल और घी गरम हो चुके हैं, इसमें डालिए 1 बड़े साइज की कटी हुई प्याज। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करते जाइए। प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें अब गोश्त डाल दें। 1 किलो गोश्त इसे बड़े कट कर लें। फ्लेम को हाई पे रखिए और गोश्त अच्छे से फ्राई कर लें तेल घी और प्याज के साथ। गोश्त को इस तरह से अच्छे से भूनने के बाद नेक्स्ट हम इसमें 5 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। फिर से भूनिए। इसे डालने के बाद फ्लेम को हाई पे ही रखिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद आप फ्लेम को थोड़ी देर के लिए लो पे रख दें और इसमें डालिए नहारी मसाला पाउडर जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बनाया था। ये ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून भर के है, पूरा डाल दें। फ्लेम को लो पे ही रख के अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालिए 3 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। नमक 2 टीस्पून, चाप के बाद में डाल सकते हैं। हल्दी 1 टीस्पून, मिक्स कर लें। फ्लेम को लो पे ही रखिए वरना मसाले जल जाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भून लेते हैं। अब फ्लेम को मीडियम पे रख के अच्छे से भूनिए। पानी है तो मसाले नहीं जलेंगे और ये कड़वा भी नहीं होगा। एक से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भूनने के बाद फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और इसमें डालिए 5 टेबलस्पून भर के दही। दही नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन कर दें। दही डाल के अच्छे से भूनने के बाद
इसमें पानी डाल दें। पानी हम करीब 1.5 लीटर डालेंगे यानी 1.5 लीटर। इसके ऊपर जो तरी है यानी तेल है इसे निकाल के एक बाउल में रख लें। थोड़ा सा हम लास्ट में डालने वाले हैं इसे। अब फ्लेम को हाई पे रख दें और इसमें उबाल आने देते हैं। ये तो अच्छे से बॉईल हो रहा है, फ्लेम को लो पे रख दें, फिर से इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पर ही गोश्त कम्प्लीटली गलने तक हम इसे ऐसे ही पकाते जाएंगे। इसके लिए हमें 1 घंटा भी लग सकता है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास बड़े साइज का प्रेशर कुकर है तो उसमें जल्दी गल जाएगा गोश्त। लेकिन नॉर्मली निहारे इसी तरह बनाते हैं बिना प्रेशर कुकर के, टेस्ट अच्छा आता है। 1 घंटा हो चुका है, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब नेक्स्ट एक बाउल में 5 टेबलस्पून भर के गेहूं का आटा ले लें और इसमें 1 ग्लास भर के पानी डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें, लम्स फॉर्म होने ना दें। ये तो रेडी है, इसे नहारी में डाल दें। फ्लेम को हाई पे रख के मिक्स करते जाइए, इससे थिकनेस आता है। थोड़ा सा नमक डाल दें, मिक्स करिए। जब ये इस तरह से बॉईल होना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें, फिर से 15 से 20 मिनट तक पका लें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और मजेदार मटन नहारी हमारी तैयार है। फ्लेम बंद कर दें। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, गोश्त भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये तेल डाल दें जो हमने बचा के रखा था। थोड़े से जिंजर जूलियंस डाल दें यानी बारीक कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, आखिर में नींबू का रस डाल दें। मजेदार मटन नहारी तैयार है, गर्मा गर्म रोटी के साथ, परोठे के साथ, नान के साथ खाइए, बहुत बहुत मजा आएगा, इसे ट्राई करना ना भूलें। गोश्त देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है। कमेंट में ज़रूर बताएं मटन निहारी की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करना ना भूलें, शेयर करें इस वीडियो के लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अस्सलामुअलैकुम।